हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुप्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम की स्टेजेस के बारे में। आज हम ट्विन फ्लेम के पहले स्टेज के बारे में बात करेंगे। तो हमारी ट्विन फ्लेम की पहली स्टेज है 3D वर्ल्ड में मिलना। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस स्टेज के बारे में। तो हमारी पहली स्टेज है 3D वर्ल्ड में मिलना, यानी कि सोशल मीडिया के द्वारा भी वह एक दूसरे को मिल सकते हैं या कनेक्शन में आ सकते हैं। उसमें से जो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी पहले से ही जागृत होती है, वह जैसे ही अपने डिवाइन मस्कुलिन को सामने देखती है तो वह तरुण थे अपने काउंटर पार्ट को पहचान लेती है। वह पहचान लेती है कि ये मेरा आधा हिस्सा है, वह पहचान लेती है कि ये मेरी आत्मा का आधा हिस्सा है, क्योंकि वो दोनों परमात्मा का हिस्सा होते हैं। ये हिस्सा मुझसे बिछड़ गया था, ये मस्कुलिन को पता नहीं चलता बट फेमिनिन को पता चल जाता है। ज्यादातर डिवाइन फेमिनिन ही सबसे पहले जागृत हो जाती है और मिलने के बाद जब जब वह अपने पार्टनर को सामने देखती है तो उन दोनों में इस तरह का संबंध बनता है कि उनको महसूस होता है कि ये वही इंसान है जिससे मिलने के लिए हमने ना जाने कितने सालों से जन्म लिए है, कितने सालों से तरस रहे हैं। और जब जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो वह दोनों एक दूसरे को पूरा महसूस करते हैं, पूर्ण महसूस करते हैं। उनको लगता है कि वह दोनों एक आत्मा के दो टुकड़े हैं, उनकी आत्मा एक ही है। और जब जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो उनको एक दूसरे को सामने देखना, सामने रहना बहुत अच्छा लगता है। उनको एक दूसरे के करीब रहना अच्छा लगता है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनको पता ही नहीं क्या मिल गया है। ये 3D वर्ल्ड में मिलने वाला उनका स्टेज होता है, बबल फेज। इस बबल फेज में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, दोनों खुश होते हैं, एक दूसरे के सामने आते जाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, या फिर बातें नहीं होती है, या फिर एक दूसरे को बस महसूस करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ सांसारिक बातें करते हैं, एक दूसरे की परिस्थिति को समझते हैं, बताते हैं जो भी उन्हें पिछले जीवन में उनसे साथ हुआ वो एक दूसरे को बताते रहते हैं, अपने सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटते रहते हैं, बताते रहते हैं। अपने सुख दुखों को बांटना उन्हें अच्छा लगता है और अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करते रहते हैं। इस तरह से उनका ये बबल फेस चलता ही रहता है, जिसे 3D वर्ल्ड में मिलना कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत फेज रहता है, जिसे अचानक से एक तूफान आ जाता है और इस खूबसूरत फेज को मिटा देता है। ये दोनों को अलग होना पड़ता है। मिलने के बाद फिर से अलग होना बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है। मिलने के बाद फिर से इनको यूनिवर्स अलग कर देता है। बाद में इनका दूसरा स्टेज आता है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये था फर्स्ट स्टेज जिसमें ट्विन फ्लेम 3D वर्ल्ड में मिलते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मैं आप सब लोगों को मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी एंड कीप मैनिफेस्टिंग। बाय गाइज़।